नमस्कार दोस्तों, रामकलेश्वर दोस्तों, प्रताप ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा क्या चावल की किनकी खिलाने से हमारे गाय भैंस का दूध बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो चावल दोस्तों उसी बोलते हैं जो धान में से चावल निकलता है। चावल निकलने के साथ ही साथ अलग से किनकी छोटे छोटे चावल निकलते हैं, तो क्या उसे खिलाने से हमारे जो पशु हैं उनके दूध बढ़ेंगे, वही तेज़ी से बढ़ेंगे? अगर इसको हम खिलाएं तो कोई नुकसान तो नहीं करेगा? सबको दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल परिवार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपको कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट जरूर करें। अगर दोस्तों हम किनकी की बात करते हैं तो किनकी क्या है कि चावल का छोटा टुकड़ा होता है। किनकी दूध बढ़ता है किनकी से भी, लेकिन किनकी जब हम डायरेक्ट खिलाएंगे तो हमारी पशु जो हजम नहीं कर पाएगी, एक ही चीज़ रहेगा किनकी सिर्फ रहेगा, तो आपकी जो पशु है ज़्यादा दिन तक नहीं खाएगी, 5 से 6 दिन 7 दिन 8 दिन तक खाएगी, फिर आप देखेंगे तो अपच हो जाएगा, चारा खाना बंद कर देगी, फिर आप कीड़ी की दवा पिलाएंगे, फिर उसके बाद तब फिर खाएगी, फिर कुछ दिन खाएगी, फिर अपच हो जाएगा। एक है हजम नहीं होता, इसे हमें जब खिलाने इसमें लगभग 2 से 3 दाना और मिला देना है। जैसे कि गेहूं मिला दीजिए, जौ मिला दीजिए, उसको दलिया बना लीजिए और उसी के अंदर किनकी भी डाल दीजिए। किनकी डालने के बाद भी दोस्तों उसे हमें कच्चा नहीं दे सकते, अगर हम कच्चा खिलाएंगे तो अपच होगा। उसको हम पका कर दे सकते हैं, अगर हम पका कर देंगे तो उसका जो है स्वाद भी बढ़िया रहेगा और हमारी जो गाय भैंस हैं दूध बढ़ाने के जिसे हम खिला रहे हैं वो खाएंगे भी बहुत चाव से। और जब भी खिलाना है किनकी तो पका कर खिलाना है, और सिर्फ किनकी ही नहीं खिलाना है, उसके अंदर 1 या 2 दाना 3 दाना अलग वाला जो आता है वो और मिक्स कर दीजिए। इससे क्या होगा कि उससे दूध भी बढ़ेगा और जो आपका सस्ता कॉस्ट पड़ जाता है, किनकी सस्ती भी मिलती है तो बढ़िया है, आप खिला सकते हैं। लेकिन जब भी खिलाएं तो आप जो है उस किनकी को पका कर ही खिलाएं। और कुछ पशु हैं हजम भी कर लेते हैं, बहुत कम ही ऐसे पशु होंगे जो देसी होंगी, बाकी किनकी जो है हजम नहीं होता, वो 2-4-6 दिन बाद अपच कर देगा और उनका जो चारा खाना है वो ढीला हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको खिलाना है या नहीं खिलाना है, तो आप खिला भी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें कमेंट ऐसा आया कि सर जी हम किनकी खिला सकते हैं कि नहीं खिला सकते, किनकी में दूध बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, उसके लिए दोस्तों हमें वीडियो बनाना पड़ा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब भी आप खिलाएं तो इसे पका कर खिलाएं, 3 से 4 दाना या 2 दाना इसमें मिक्स करके जो है दलिया बनवा लें, दलिया बनाकर उसको मिक्स करके आप जो है अपने पशु को खिला सकते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सुनने आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने।